अरे कहाँ आ जाओ राहुल, कहाँ आ जाओ, कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो यार। नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। अब ये बताइए, ये भी इस समय डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है देखिए पिछले कुछ दिनों से। अब ये राहुल हमारे सहयोगी हैं, ये भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सूर्या मैथिल यहाँ आके कह रहे हैं देखिए आज के डिबेट शो में किसी को चिल्लाना नहीं है, सूर्या मैथिल ये कहें कि किसी को चिल्लाना नहीं है। और फाजिल अहमद अगर कहने लगे कि मैं आज भारत माता की जय बहुत शौक से बोलूंगा, तो ये बदलाव ही तो है। और ये अप्रत्याशित बदलाव न जाने क्या संकेत दे रहा है, न जाने क्या संदेश दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं जनता जिंदाबाद में कि आज किस मुद्दे पर जनता जिंदाबाद करना है। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन मैं सीधी सीधी बात करूंगा, सीधी सीधी बात ये करूंगा कि डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन में सनातन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि लगता है कि पिच तैयार करके और दे दिया जा रहा है कि जाइए भाई साहब, इसमें हर बॉल में आप चौवा छक्का मारिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, जब इंडिया डॉट डॉट वाले गठबंधन के साथियों को किसी मंत्री द्वारा दिए गए सनातन पर बयान का जवाब न सूझ रहा हो, संजय राउत जैसे नेता चुप हो जा रहे हों, आतिशी जैसी तेज तर्रार प्रवक्ता रही आम आदमी पार्टी की, वो चुप हो जा रही हैं, तो आप समझिए कि कितना फंस गया है इंडिया गठबंधन सनातन पर। जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने पहले बयान दिया और अब शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है, तो अब ये कहा जाने लगा है कि ये जो गठबंधन बना है और मुंबई में जो बैठक हुई है, ये सनातन का सत्यानाश और खत्म करने के लिए ही हुई थी। और ऐसा कहकर बीजेपी हमलावर है और डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन के साथियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये सब मामला है, इसलिए मुझे जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है। और जब सनातन की बात करता हूं तो ये मानते ही नहीं है, इसी कलर में आते हैं। और इनका कहना है कि भाई देखिए ऐसा है कि हिंदू धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो चलिए जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। आखिरकार बाबा साहब और भारत के संविधान, इनका अपमान, सनातन धर्म का अपमान, क्या ये स्वीकार है कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे जी को? भाई बिल्कुल, ये सनातन के विरोध की ही सोच है और इस बात को हम बहुत पहले ही हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई ये गठबंधन बना ही सिर्फ और सिर्फ एंटी सनातन की सोच को साधने के लिए। जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी ये घमंडिया गठबंधन से, क्योंकि भारत सनातन का अपमान नहीं सह सकता। जो पिच की बात आपसे कह रहा था, यही तो है कि बना कर दे दो, आओ बैटिंग करो। खैर, भारत पाकिस्तान का मुकाबला जो था बड़ा रोचक था और अच्छी जीत पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने दर्ज की। क्या बात, दर्ज की है। तो चलिए, मैच तो आज भी आ रहा है, लेकिन आज लोग दुखी हैं कि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन यहां भारत और इंडिया में सब कुछ फंस गया है और इसलिए मुझे जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है। तो चलिए पहले आपको बता दूं कि भारत, इंडिया, सनातन, अखंड भारत में कहां कहां द्वंद मचा हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले मेहमानों का स्वागत करवा देता हूं। ऋषभ तिवारी मुस्कुराएंगे क्योंकि आज का विषय उनको सूट कर रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सूर्या मैथिल साहब हैं, ये जान रहे थे विषय सनातन है तो कुर्ते का कलर कैसे समझौता कर लें, वैसे इसी में ज्यादा आते हैं। मनीष गुप्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका भी स्वागत कर लीजिए। ये भी दोनों हाथ जोड़कर इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि सनातन बहुत अच्छा पिच है, बैटिंग करने में मजा आएगा, ऐसे ऐसे वाला। कुछ देर में इनको जब हरा देंगे तो ये दंडवत भी हो सकते हैं और कहेंगे मैं अपने भारत
हिंदू संस्कृति और सनातन के प्रति सम्मान के लिए दंडवत हुआ हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी की जय। ऐसे ही ना, जय भारत माता। आ रहा हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ भाई, सब होने आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और कौन कौन है, स्वागत करवा दूं? फाजिल अहमद जी, आपका भी स्वागत है। हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहिए। दुनिया में बहुत सारे वजह हैं लोगों को गमजदा रहने के लिए, आप इसलिए ज्यादा गम में मत रहा करिए। भारत माता की जय बोल देंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है? और इसके अलावा कौन है? राहुल लाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शुद्ध सनातनी 140 ये कह देंगे कि हरा पहने हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? हरा सारे रंग है जो सनातन से जुड़े हुए, सारे रंग इस देश से जुड़े हुए, इस मिट्टी से जुड़े हुए, किसी का कोई परिचय करवाने दीजिए। सब चार्ज हैं आज, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि सब चार्ज हैं। और मोहम्मद आसिफ जी हैं, आपको भी सलाम है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, कल की जीत से बड़ी खुशी मिली है। कल इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इतनी बड़ी जीत का, और जवान फिल्म से बड़ी खुशी मिली है, जो हम 9 साल सुन नहीं पाए, वो हमने 3 घंटे की फिल्म के अंदर जो कल डायलॉग दिए थे वो बड़ा वायरल हो रहा है। आप हर जगह वायरल होते हैं, तारीफ के काबिल है आप। जितनी थोड़ा और तारीफ कीजिए, इस समय तारीफ की बहुत जरूरत है। तारीफ की इतनी जरूरत है कि देश को आज सनातन धर्म की बात हो रही है। अरे मेरी तारीफ मालिक, तारीफ की तो जितनी कीजिए उतना कम है। तमाम हिंदुस्तान आपको चैनल पे देख रहा है और तमाम लोग ताली बजा के आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से हमारा भी स्वागत हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन की तारीफ नहीं हो रही, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मसौदा तैयार कर दिए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। कोई लोग नहीं कह रहे हैं, किसी ने हर धर्म को अधिकार है। ले ओ, ये लोग को सुन ले। हर हिंदुस्तानी कोई भी होगा किसी धर्म की बुराई नहीं करेगा। हिंदू धर्म का अपनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी भी धर्म को। रही दूसरी बात, जब देश के उपराष्ट्रपति जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर धोया जाता है, तो ये सनातन की बात करने वाले वो हिंदू नहीं थे राष्ट्रपति, क्यों दलित लोग? गलत बोला शिक्षा मंत्री की, नहीं बोल, गलत बोला, गलत बोला तो गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। जो ये जब गलत बोल रहे हैं राहुल लाल जी, आ रहा हूँ आप लोग के पास, आऊंगा सब सनातन की बैठिंग आप लोग बहुत तेज करेंगे ना, इनसे पहले पूछ लूँ, ये बताइए कि कुछ बोलते नहीं बनता है, कुछ नहीं बोलते बनता है, क्या बनता है सनातन को? अब इतना गलत, अरे रुक जाए, अरे अब फिर वही कैसेट टाइप से नहीं, एकदम से आप रिकॉर्डिंग बोलने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन पर सवाल ये उठने लगा है कि कैसे होगा, आप लोग तो सनातन और हिंदुत्व को खत्म करने आ गए हैं और इसीलिए आप लोग मुंबई में बैठक किए थे, इसका जवाब क्या होगा? ये जनता से पूछ लेते हैं, देखो जनता बताओ, ये बताओ भाई, ये सनातन के खिलाफ जो बोल रहे हैं इस पर आप क्या सोचते? मैं इस देश का हनुमान, ये लो, अरे हनुमान जी प्रणाम है आपको, रुक जाओ, इसका हनुमान, ये देश मेरा राम, असीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान, सुन ले रे चीना, पाकिस्तान कहेगा सुल्तान का बाप और दमन का दादा, और हॉलीवुड बॉलीवुड की माकिस्तान के बोल बमूड, एक्शन भाई बोले डायरेक्शन, एक्शन का रिएक्शन 2.5 किलो ने 5 किलो, मैं शेर और मेरा भोला पास शेर, तो सवा शेर क्या करेगा? जय जय बजरंग बली, याली हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, नाराय तकबीर, ला सलाम, जय भीम, जय भारत, 1.25 लाख सिख लड़ावा, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। एक बार को मुझे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मंजूर है, मगर हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और शमशान का मिस्तान, ये मुझे मंजूर नहीं, ना मैं होने दूंगा। इसलिए मैं इस देश का हनुमान, ये देश मेरा राम, और सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान, सुन ले रहे चीना पाकिस्तान। शिक्षा की बात कीजिए, अगर कांग्रेस ने या बीजेपी ने 15 साल बच्चों को पढ़ाया होता तो ये ऐसी स्थिति देखना नहीं पड़ता। 15 साल अगर मेहनत किया होता, बच्चों को पढ़ाया होता, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या शुभ नाम है आप? बसंत झा मेरा नाम है। झा साहब बिहार से? हाँ। कब आए थे यहाँ दिल्ली? कब आए थे? 7 इयर्स ओल्ड आया था मैं। अंग्रेजी भी बोलते हैं? हाँ। तो मैं बोला कि एजुकेशन पे ध्यान दो भाई, ये सब बात मत करो, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ेगा देश, जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा अम्बेडकर। झा साहब को प्रणाम है भाई, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बोले। ऋषभ तिवारी जी बताइए, ठीक पीछे आज सनातन? देखिए, सबसे पहले देश में इस तरह के मुद्दे हमारे लिए कोई खुशी का मुद्दा नहीं होता है, ये एक दुख का मुद्दा है। जो कांग्रेस पार्टी देश की एक जिम्मेदार पार्टी है,
और जिसके साथ वो गठबंधन करती है उसके सहयोगी अगर इस देश की संस्कृति सनातन जो कभी समाप्त नहीं होने वाला एक अस्तित्व है उस पर सवाल खड़ा करती है, उसे एचआईवी वायरस बोलेगी, डेंगू बोलेगी, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और इन्होंने सही कहा, शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत सर इसलिए है क्योंकि उनके नेता को यह समझ होना चाहिए कि इस देश का संस्कृति का पहचान है सनातन, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पहचान है सनातन, उसको आप राक्षस बोलेंगे, डेंगू बोलेंगे, कैसे चलेगा फाजिल भाई, कैसे चले? देखिए ये तो राजनीति की बात है सब, बीजेपी भी राजनीति कर रही है और इतना होने के बावजूद भी तो घोसी तो 40,000 से जीत गए लोग, काहे नहीं हार गए? देखिए समझिए इस बात को, समझा दीजिए। धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, आज दलित 9 साल की दलित बच्ची को पानी पीने के लिए जान से मार दिया गया, ये कहां से सोचिए? 50 बार बोल चुके हैं आप, इस पे बात हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात जब भी होगी, पिछड़े की बात जब भी होगी, गरीब की बात जब भी होगी, 1,00,000 बार बोलूंगा, आप नहीं रोक सकते मुझे। मैं रोक नहीं रहा हूँ, विषय धर्म जात के नाम पर हत्या बंद होगी, छुआछूत नहीं बंद होगा, जब तक भेदभाव नहीं बंद होगा, एक के पास 20 बीघा, एक के पास 100 कुट्ठा 100 दूर जमीन नहीं है, जब तक ये असमानता समाप्त नहीं होगी तब तक मैं बोलता रहूंगा। पूछिए कई बीघा जमीन इनके पास है और ये बेचारे झा साहब है इनके पास। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ रहा हूँ आप एकदम, आज पता नहीं सब अच्छे आर्ज हैं आज। सूर्या भाई, सनातन की बात जो हो रही है और जिस तरह से आप लोगों को मुद्दा मिल जा रहा है, लग नहीं रहा है कि ये खुद ही आत्मघाती कदम उठा लेंगे? धन्यवाद तिवारी जी, पहले पूरे देश को और आप सभी को भारत माता की जय वंदे मातरम। और पहले तो मैं एक स्पष्ट कर दूं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई पिच नहीं है, ये हमारी आत्मा है, हमारे श्वास है, हमारे शरीर। देखिए मैंने आते बीच में नहीं बोला, राहुल भैया, और अगर आप बोलेंगे मैं यहाँ चला जाऊंगा, बात रखने दीजिए, चिल्ला चिल्ली में बात नहीं जाती है देश के सामने। आत्मा है हमारी सनातन, प्राणवायु है सनातन, और ये जो खत्म करने की बात सोच रहे हैं ना, और ये अभी कह रहे थे कि दलितों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो वो 4 लाइनें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कही थी, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने छाती पर अंबेडकर लगा रखे हैं ना, अंबेडकर जी इस देश के दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ ये ज्ञान दे रहे हैं, 60 साल तक क्यों नहीं कश्मीर के अंदर दलित भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला? तब कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे जब जामिया मिलिया इस्लामिया में आरक्षण का लाभ नहीं मिला? आखिर कहाँ थे ये लोग, ये दलितों की बात करते हैं? ये कह रहे थे कि आज चिल्लाना नहीं है, इस सूर्या मैथिल जी कह रहे थे कि आज की बहस में चिल्लाना उल्लाना नहीं, बहुत शांति से बहस करना है। गजब है मालिक, गजब है। हाँ ये है असली जिहाद, बोलने नहीं देंगे। जनता जिंदाबाद में जनता। ए झा साहब आप फिर 2 मिनट। गरीब का शोषण हुआ, जब जब गरीब का शोषण हुआ तब तब उसका प्रमोशन होगा। गरीब है, ऊपर वाले गरीब है, न गरीब अटकेगा न गरीब भटकेगा, गरीब तो अपना हक लेके मटकेगा। कसम मुझे इस मिट्टी का, गरीब का सर झुकने नहीं दूंगा, गरीब का काम रुकने नहीं दूंगा। कोई मांगे आजादी मैं मांगू जिम्मेदारी, रोजी रोटी की, बाल बच्चे की, अरे लेके रहूंगा, अरे नहीं हटूंगा, डटे रहूंगा, एक ही नारा, हक हमारा। और सारी दुनिया का अरे आप बहुत बड़े कलाकार हैं यार, पूरा टाइम ले का बोझ मैं उठाता हूँ, इसलिए ग्रेट दलित कहलाता हूँ। दरभंगा से हैं? गरीब हूँ। दरभंगा से जो मैं अरे दरभंगा मैं दरभंगा जैसा आव है यार, गरीब हूँ इसलिए दलित हूँ, दलित में है दम, ये मेरे पास है धर्म और कोई नहीं है गम, कोई नहीं है गम, मेरे पास है धर्म और मेरे पास है ईमान, इसलिए मैं ही हिंदू मैं ही मुसलमान। हो गया यार, अब ये नया कुछ है, कुछ नया है कौन सा? दलित में है दम, ये है दबंग, नहीं किसी से कम, और ज्यादा बोलोगे छेड़ देगा जंग। बम बम। और सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, इसलिए ग्रेट दलित कहलाता हूँ। ग्रेट दलित, ग्रेट दलित। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए सनातन पर जो बहस हो रही है, सनातन को जिस अब ये कोई बोलेगा कि सब इनका देख रहे थे ये दम गम, कोई बोलेगा आम आदमी पार्टी निकलता है भाई, आम आदमी को कुछ बोलेगा जिस तरह से सनातन को लेकर बहस? धर्म को, किसी के धर्म को जो है ना
नहीं बोलना, ये अगर गलत बोल रहा है किसी धर्म के बारे में कोई कुछ बोल रहा है। आंटी क्या नाम है आपका? वो गलत। कोई बात नहीं, आप आई हैं, आपका स्वागत। ममता मेरा नाम है, मैं कुछ राजनीति के बारे में बोल नहीं पाऊँ। यही बोलना है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, ये भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। ये अरे क्या लड़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर वाले चिल्ला रहे यार, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। वाह सूर्या भाई वाह, ये कहाँ से ये लोग ले आते हैं? हाँ ये इनके पास आते हैं। सनातन को लेकर जो बहस चल रही है उसके बारे में पता है? देखो बहस जो चल रही है ना, दरअसल ये जो मोदी जी की उपलब्धियां है ना, उनको डगमगा रहे हैं, मतलब उनसे ये डर रहे हैं और जनता के सामने उनको लाने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस वाले से एक बात पूछ लीजिए, 1974 में श्रीलंका की जो महिला प्रधानमंत्री थी बंडरा नायक, उनको इंदिरा गांधी जी ने अपनी मित्रता निभाने के लिए कच्चा तीहू द्वीप दिया था बिना संविधान संशोधन के, क्या वो माँ भारती का हिस्सा नहीं था? बस ये पूछ लो इनसे। को अच्छा वो सब पूछ लेंगे, इतना हम जानते नहीं जितना आप पढ़ लिख के आए हैं। इतना कठिन सवाल पूछ दिया है? सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, ये और ये कलर बड़ा कॉम्बिनेशन प्रतिदिन रहता है। सर देखो जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है ना वो देशद्रोही है, देशद्रोही। और जो मोदी और योगी के खिलाफ बोल रहा है वो पक्का 100% देशद्रोही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है 158 गरीब परिवारों में बिजली पहुंची है, शौचालय पहुंचे, इतना विकास हुआ है, पूछो मत। देशद्रोही देशद्रोह का मतलब क्या होता है? देशद्रोही मतलब अपने देश में ही रह के दूसरे देश की बजा रहे हैं, मतलब पाकिस्तानियों की बजा रहे हैं। ये तो केवल एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास बीजेपी कर रही है, ना हिंदू देख रही है ना मुसलमान देख रही है। हद से ज्यादा मुसलमानों का विकास किया है बीजेपी ने, यूपी में सबसे ज्यादा शौचालय। और देखिए कभी कहाँ गए सज्जन, उनको अभी बहुत गरिया रहे थे हमको कि आप जनता से बात नहीं करते, अब बात करने का समय आ गया तो चलेगा। इधर कोई जनता बोलेगी भाई, सनातन को लेकर जो बयानबाजी चल रही है कोई बोलेगा तो बताइए। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन सनातन आपका पूर्वज है और इसको मान कर रखिए कि सनातन आपका पूर्वज है। वो भाई साहब भीमराव अम्बेडकर का पंडाल देखो, क्या भीमराव अम्बेडकर हिंदू नहीं थे? हिंदू विरोधी थे वो? क्या संविधान हिंदू विरोधी में लिखा है वो? ऐसा नहीं होता, सनातन को मत भूलिए, सनातन आपका पूर्वज है और रहेगा। बस और कोई भाई सनातन पर बोले? ए झा साहब आहा ना ना, ए वन वन नहीं, अरे नहीं रोम वोम नहीं, अब चलो रोम नहीं। अब सर ये जो सनातन को गाली दे रहे थे अभी, जो वोट आते हैं ना तो लंबा लंबा टीका लगा लेते हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी जी लंबा टीका लगा लेंगी, चूड़ियां पहन लेंगी। अब जो अब चुनाव आ रहा है आप देख लेना, जो सनातन को गाली दे रहा है ना उनका अंडा आना है, और यूपी में तो कांग्रेस का अंडा आना ही आना है। जो सनातन को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं ना ये, तो कांग्रेस का अंडा आना है इस बार। जनता कोई और बोलना चाहती है इधर? हाँ भाई। सर ये जो बोल रहे थे हिंदू और दलित राजनीति कर रहे हैं, ये बताइए छुआछूत कहाँ पे पहले? सबसे पहले इनसे आ गए, तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? छुआछूत कहाँ हो रहा है ये मुझे सबसे पहले इनसे नहीं हो रही है। अरे तुम दूसरे मोड में हो यार। हाँ ये जो बाबा साहब की फोटो लगा खड़े हैं भाई, इनसे वो ना छुआछूत कहाँ पे है? कौन छुआछूत कर रहा है यहाँ पर? और जनता कोई बोलेगी तो बताओ। हाँ नहीं आप बोल चुके, कहाँ हो रहा छुआछूत ये बताइए, कहाँ हो रहा छुआछूत? एक दूसरे को अब शर्मा गए ऐसे ऐसे नीचे मुंडी कर लो। चलो एक सेकंड, अंतिम 30 सेकंड। देखिए ज्ञानेंद्र जी एक बात तो स्पष्ट है, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, मैं पूछना चाहता हूँ संविधान किसको सर्वप्रिय नहीं है? अगर कोई संविधान मानता है तो इसका क्या मतलब है आप हिंदू और सनातन को गाली देंगे तो हम चुप रहेंगे? जवाब भी ना दे, हिंदू मुस्लिम करे आप, अगर हम उस पर सवाल खड़ा करें तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करिए। ए राजा किससे है उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? उदयनिधि किससे है, वो क्यों डेंगू मलेरिया बोलते हैं उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? कर्नाटक में जय श्री राम कह के एक मुस्लिम लड़के के हिजाब खींच लिए, तब कहाँ थे ये? वो मुसलमान किसी के नहीं है, इस्लाम का मानने वाला कोई नहीं है, हमारी आस्था आस्था नहीं है, इनकी आस्था आस्था है। अरे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात फाजिल भाई, अच्छी बात। मैं समझता हूँ दक्षिण में मुस्लिम और ईसाई वोटरों को कंसंट्रेट करने के लिए हिंदुओं को गाली देने का ऑर्गेनाइज प्लान है। अभी दयानिधि महाराज ने आज एक स्टेटमेंट दिया, जल्दी 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 उन्होंने कठुआ छाप अगरबत्ती दिखाई है कि हिंदू कीड़े हैं और ऐसे हम उन्हें मारेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सरकार बोल रही है, सरकार के मंत्री तमिलनाडु से इतने सारे नेता थे भाजपा के, एक भी सनातन पे बोलने को राजी क्यों नहीं है? क्यों नहीं डर रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी यदि सनातन के समर्थन में बोल रही है तो आप इसको ये मत कहिए राजनीतिक पिच, क्योंकि सनातन हमारे शरीर में है, सनातन हमारे प्राणवायु है। देखिए जब गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि जो सनातन के विरोध में बोलेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उसके जवान छीन लिए जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कब जाइएगा दिनेश शर्मा जिन्होंने कहा था
उत्तर प्रदेश में सीता मैया के लिए टेस्ट भी निकलवाएंगे, हाथ पैर तोड़वाएंगे, गजब की प्लानिंग है। मुझे दुर्गेश साहू राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।